दरअसल मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप लोगों के घर में मजीद कोई डिस्टर्बेंस है। देखिए, आप समझ नहीं रहे, अगर आप नहीं आए तो डिस्टर्बेंस होगी। मेरे घर वालों का ऐसा ख्याल है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कैसे हो सकता है? जितना देखो बेटा, हम आए भी तुम्हारे पास इसीलिए कि तुम अब अपने दिल में कोई मलाल ना रखना। तो मैं कह रहा था, जब एक मैराथन रेस स्टार्ट होती है तो रेस के शुरू में एक गन का फायर होता है। उस फायर की आवाज सुनते ही सब लोग दौड़ने लग जाते हैं। क्या मुझे यहां कोई बता सकता है कि उस फायर की आवाज के बाद सब दौड़ने क्यों लगते हैं? आप बोले। करेक्ट, सर वो सब जीतने के लिए दौड़ते हैं। सब जीतने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सबको ये पता होता है कि प्लीज जी, सब जीतने के लिए दौड़ रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, सारे के सारे तो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी सब मेहनत करते हैं और दौड़ते हैं। तो इस बात से क्या सीखा आप लोगों ने? प्लीज, कि चाहे वो जीते या हारे, रेस में हर दौड़ने वाले की कोई ना कोई जगह जरूर होती है, पोजीशन जरूर होती है, लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद से उस रेस में दौड़ते हैं कि किसी ना किसी से तो आगे जरूर होंगे और उनकी कोई ना कोई पोजीशन भी होगी। इंटरेस्टिंग। शायद अगर मुझसे भी इस सवाल का जवाब पूछा जाता तो मैं भी इसी तरह देता। आप सबसे ये बात करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि एग्जाम्स आने वाले हैं, और प्लीज एग्जाम से ना डरें, पूरी की पूरी मेहनत करें। ये मत सोचें कि ये फर्स्ट पोजीशन आएगी कि लास्ट, कोई ना कोई पोजीशन जरूर आ जाएगी। ठीक है, चले आप लोग जा सकते हैं। गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम। कुछ मंगवाऊं आप लोगों के लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस तुम्हारे पास। प्लीज इससे आगे कुछ मत कहिएगा, मुझे अपनों से बड़ों का झुकना पसंद नहीं है। जीते रहो बेटा, असल में फंसी भी अपने इस रवैये की वजह से बहुत अफसोस कर रहा था, और इसीलिए हम तुम्हारे पास आए। ठीक कह रही हैं आप, और बाप को ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, आप क्या राबिया पी को ट्यूशन पढ़ाना कंटिन्यू कर सकते हैं? ये अब पॉसिबल नहीं होगा। दरअसल मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप लोगों के घर में मजीद कोई डिस्टर्बेंस है। देखिए, आप समझ नहीं रहे, अगर आप नहीं आए तो डिस्टरबेंस होगी। मेरे घर वालों का ऐसा ख्याल है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कैसे हो सकता है? जितना देखो बेटा, हम आए भी तुम्हारे पास इसीलिए कि तुम अब अपने दिल में कोई मलाल ना रखना। आंटी, मैं अपने दिल में सिर्फ दिल में रखने वाली चीजें रखता हूं, ये मलाल शलाल की जगह नहीं है मेरे दिल में। अरे वाह, तुम मजाक भी कर लेते हो, वरना मैं तो तुम्हें एक उस्ताद जी समझती थी। चलो नूर, चलें बेटा।